एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी। बहुत पहले भी नहीं, इनफैक्ट आई जस्ट बॉट इट अराउंड 2 मंथ्स बिफोर, बट इट वाज सो चिलिंग कोल्ड। सो मैंने ये सोचा कि इसका चलो बाद में ही वीडियो बनाएंगे। तो एक चिकनकारी कुर्ती है जो मैंने चांदनी चौक से खरीदी थी, कुछ इस टाइप की है। ये देखिए, पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कलर। वाइट या फिर ब्लैक तो बहुत देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी सभी ब्लॉगर्स को कि न्यूड शेड्स होते हैं, यह पहन सकते हैं हर किसी के साथ और अच्छे लगेंगे। बट ये मैंने कुर्ती ली थी चांदनी चौक से। ये देखिए, इसका ऐसा चोली कट पैटर्न है सामने से, फ्रंट से, और यहाँ पर ये डोरी दी गई है एडजस्ट करने के लिए वेस्ट को। अगर आप मोटे हैं पतले हैं तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद ये फ्लेयर है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर है, बहुत सटल सा कलर। गर्मियों में जैसे हमें चाहिए होता है ना, बहुत भड़कीले कलर्स अच्छे नहीं लगते, तो वैसा कुछ अलग सा कलर है। ये देखिए, इसके नीचे भी बहुत अच्छी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मैंने ये कुर्ती ली थी चांदनी चौक से, ऐसे ही रैंडमली मैं घूम रही थी तो मुझे ये दिख गई, और ये जस्ट 500 रुपीज़ में मुझे मिली है। फुल अनारकली पैटर्न है, फुल स्लीव्स की कुर्ती है। ये देखिए, स्लीव्स में भी बहुत ब्यूटीफुल सा काम हुआ पड़ा। तो ये आजकल जैसे कि मैंने आपको अपने एरिया के बारे में बताया था, मैंने ये कुर्ती तो चांदनी चौक से ली थी, बट मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। लक्ष्मी नगर में पिछले साल तक, लास्ट ईयर तक, बहुत कम मिलती थी चिकनकारी कुर्तीज़, बट अब तो ऐसे मिल रही हैं जैसे हर कोई बंदा चिकनकारी ही बेचने में लगा हुआ है। 350 रुपीज़, 400, 500 में आप बहुत ही क्लासिक कुर्ती ले सकते हैं, जो मैंने दूसरी वेबसाइट्स पे या फिर इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखी है। 1000 रुपये की कोई कुर्ती बेच रहा है, कोई 2000 की बेच रहा है, बट वही वाली कुर्ती आपको थोड़े लेस प्राइस में चाहिए तो आप अपनी लोकल मार्केट में देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार लक्ष्मी नगर ज़रूर विजिट कीजिए। लक्ष्मी नगर में बहुत अच्छी वैरायटी है, कलेक्शन बहुत अच्छा है। मुझे अभी टाइम नहीं लग पा रहा है, बट जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं ज़रूर उन कुर्तीज़ का भी एक हॉल बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर किस रेंज की मिल रही है कुर्तीज़। तो आप बने रहिए मेरे साथ स्टाइल स्टेटमेंट पे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप अब बने रहिए और खुश रहिए। चलिए दिखाती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक अच्छी सी मेरी लाइफ की एक अचीवमेंट आई वांट टू शेयर विद यू। आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट आल्सो, तो जो आप सबको वैसे पता ही होगा, स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना, मैंने यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं कमाए हैं, बट मेरे 11 पॉइंट समथिंग फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपके फॉलोअर्स 10K से ज़्यादा होते हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, बट मुझे उन्होंने 11 पे ही कॉन्टैक्ट किया, तो मैं वही एक बेंचमार्क मान के आपके साथ शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन। तो मुझे एक ब्रांड ने कोलैब के लिए अप्रोच किया था थ्रू मेल, एंड थ्रू देन शी टुक माई नंबर एंड शी लाइक टुक माई ऑल द डिटेल्स फ्रॉम मी एंड सेंड मी ऑल द प्रोडक्ट्स। तो एक आपने ब्रांड सुना होगा, बहुत ही रिनॉन्ड ब्रांड है, बेलोरा पैरिस। तो उसकी मुझे 3 चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑसम सी चीज़ें हैं। मैंने खुद ही इनफैक्ट सेलेक्ट किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी उनका जो कैटलॉग होता है उसमें से खुद ही सिलेक्ट करना होता है कि 500 के अंडर ही आपको, मतलब कॉस्ट का ही सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको भेजते हैं। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर कोलैबोरेशन। तो मैंने बेलोरा पैरिस के साथ अभी रिसेंटली कोलैब किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको ये 3 चीज़ें मुझे इन्होंने दी है। 1 is lipstick, 2nd is lipstick एंड 3rd is आइस क्रीम काजल। सो जैसा कि ये अपने नाम से ही बता रहा है, तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए, ये इन्होंने मुझे दी है, और मैं अभी इसको दिखाती हूँ आपको कि ये कैसी दिखाई दे रही है, कैसी लगाने के बाद कैसी लग रही है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है डेली अपडेट्स के लिए। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी स्टोरी भी पोस्ट की थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं पोस्ट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आपको मैं डेली डोज ऑफ फैशन देती रहती हूँ। तो इसीलिए तो ये है पहला, मैं आपको दिखाती हूँ कि काजल पहले मुझे कैसा मिला है। काजल जो ये काजल है वो बेलोरा पेरिस का है, आइसक्रीम काजल। इसके बाद मेड सेफ करके लिखा हुआ है। ये टोटली सारे प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री है, वेगन सर्टिफाइड है। इट मींस इनका किसी भी टाइप के ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी मतलब जानवरों पे ना टेस्ट किए गए हैं ना उनसे कुछ इनका लेना देना है, जानवरों से नहीं बने हैं। तो काजल कुछ इस टाइप का आया था और पूरा ही ये अच्छी तरह से लेमिनेट हुआ पड़ा था। इसको मैंने खोल के यूज़ किया है, शायद मैंने इसमें काफ़ी टाइम लग गया है इसको मुझ तक आने में, अराउंड 15-20 डेज लग गए ये सारे प्रोडक्ट्स मुझ तक पहुँचने में। तो ये देखिए ये काजल है, ब्लू कलर का है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने अभी यही अप्लाई किया हुआ है, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। दिस काजल इज हाईली पिगमेंटेड, बहुत ही अच्छा है। कुछ काजल को हम यूज़ करते हैं तब ऐसा फील होता है कि जैसे आईज में इरिटेशन है, इचिंग है, बट इसको यूज़ करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और ये प्योर एकदम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, जिससे आईज में बहुत ठंडक सी भी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये नहीं कि मैं इसका कोलैब कर रही हूँ इसके साथ तो मुझे अच्छा अच्छा बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लगता है तो मैं अच्छा बोलती हूँ। तो 299 रुपीज़ का है इसका MRP, ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो MRP 299 का है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि कौन से लिप शेड्स वगैरह मुझे मिले हैं। अब है ये बेलोरा पेरिस लॉन्ग किस नाम का मुझे ये मिला है। 24/7 लॉन्ग स्टे, नॉन ड्राइंग एंड हाइड्रेटिंग। मतलब कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जो ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन सी आपको लगती है, तो वो नहीं है। अल्ट्रा पिगमेंटेड एंड मैट, पावर्ड बाय विटामिन ई एंड शेमोलिना रिसुटिटा ऑयल। आई एम लाइक रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इफ आई मिस प्रनाउंस प्लीज बेयर विद मी। सो हेयर इज द लिप कलर, एंड ये है रूबी किस, 12 नंबर का शेड है, रूबी किस है ये। ये जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये वाला कलर मैंने शायद अप्लाई भी किया हुआ है। अगर आपको मेरे फेस पे कुछ ग्लो नज़र आ रहा है तो ये सिर्फ इस लिपस्टिक का ही है, क्योंकि बिलीव मी जब मैंने इसको यूज़ किया ना, जब मैंने ये लगाई लिपस्टिक तो एकदम से बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ गया। और इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मुझे इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, बट मुझे ऐसी कोई भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं हो रही जैसी दूसरी लिपस्टिक्स के साथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्राई नहीं हो रही है। और शाइन इसकी है थोड़ी बहुत, अदरवाइज ये मैट कलर है, मैट लिपस्टिक्स है सारी। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, मुझे ये वाला मिला, ये भी लॉन्ग किस नाम से ही है, बट इसका जो एक्चुअल है इस लिपस्टिक का लिप शेड का नाम, तो वो है फर्स्ट किस 01 नंबर है ये। ये कुछ इस तरह का शेड है, चेरी कलर का शेड है ये देखिए। इस टाइप का शेड है ये, और भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। शायद उन्होंने दो कुछ मतलब स्लाइटली डिफरेंट है, बट ये चेरी कलर का शेड है, वो थोड़ा रेडिश टोन में है, तो इस टाइप के दो मुझे मिले हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और देखिए कोई स्मज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी स्मज नहीं है, तो ये मुझे मिला है। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लंबा शूट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
का वीडियो मैं कंसिडर करूँगी एक चैलेंजिंग वीडियो, क्योंकि आपने देखा होगा वाइट और ब्लैक तो हम बहुत ज़्यादा बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं स्टाइल कर सकते तो दूसरे कलर्स है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं उनके साथ। तो एक चैनल एक मतलब चैलेंजिंग वीडियो की टाइप से मैं इसको बनाने वाली हूँ कि मैं इस बेबी पिंक कुर्ती को कितने वेज में स्टाइल कर सकती हूँ। ये चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है। अगर मैं अपने आप को एक स्टाइलिस्ट कहती हूँ तो मुझे देखना होगा कि एक मल्टीपल वेज में स्टाइल हो जाए, ताकि मेरे 500 रुपये जो है वो मैं बार 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 अगर इसको स्टाइल करूँ अलग अलग तरीके से तो मैं यूज़ कर लूँ उन 500 रुपये का मैक्सिमम यूज़। तो ये है कुर्ती। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कितने वेज में स्टाइल कर सकती हूँ और कितने टाइप से स्टाइल कर सकती हूँ। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैलेंज नंबर 1 कि इसको मैं पहले जो मेरा चैलेंज है वो सबसे पहले यही है कि इसको सबसे पहले मुझे अगर किसी पार्टी में जाना है तो मैं इस कुर्ती को कैसे स्टाइल करूँगी। नाइट पार्टी है, नाइट पार्टी के टाइम पे कैसे स्टाइल की जाएगी ये कुर्ती। तो लेट्स थिंक एंड लेट्स जस्ट रिक्रिएट द लुक। सो फर्स्ट लुक के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कुर्ती को फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ स्टाइल किया है जो मैंने अजियो से ली थी। इसे मैंने बांधनी प्रिंट के दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है जो कि वेडिंग फंक्शंस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और मैचिंग मैंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है, रेड पोल की डोट है, पोल कीज लटके हुए हैं उसके अंदर, और साथ में एक ब्यूटीफुल सी पोटली बैग के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है। ये हल्के फुल्के डे टाइम फंक्शन के लिए या नाइट वेडिंग गेस्ट लुक के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप आराम से गर्मियों में गर्मी ना लगते हुए भी क्रिएट कर सकते हो और स्टाइल कर सकते हैं इस तरह से अपना अनारकली। लाइट पिंक बेबी पिंक के साथ डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और एवरग्रीन लगता है। इस तरह के दुपट्टे आप आराम से मिंत्रा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ये नेकलेस भी, ये चोकर नेकलेस मैंने अपने भाई की शादी में ख़रीदा था और इसके साथ मैंने मैच करता हुआ पोटली बैग और लिपस्टिक ली है ताकि पूरा लुक कोऑर्डिनेटेड लगे, ऐसा ना लगे कि बेकार लग रहा है। नेक्स्ट लुक के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी एथनिक जैकेट को स्टाइल किया है अपनी अनारकली कुर्ती के साथ। कुर्ती के ऊपर जैसे कि वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली एक एथनिक जैकेट पहनी है। इसे फ्रंट से टाई अप करके एक एज देने की कोशिश की है अपनी वेस्ट को, पूरा डिफाइन करने की कोशिश की है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बॉक्सी सा ना लगे, इसलिए मैंने इसको वेस्ट पे से टाई अप कर लिया है। पैरों में मैंने अपनी न्यूड कलर की पम्प्स पहनकर पूरा लुक कंप्लीट किया है। साथ में मैंने हाफ पोनी बनाकर उसको रोल करके ऐसा जूड़ा बनाया है, हाफ जूड़ा इसे बोलते हैं, और मैंने मैचिंग सिल्वर इयररिंग्स पहने हैं, ओवरसाइज इयररिंग्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली जा रहे हैं पूरी वाइब के साथ। इसे मैंने ब्लैक कलर की लेगिंग के साथ पेयर किया है टू गिव द कोऑर्डिनेटेड लुक एज माई जैकेट हैज़ ब्लैक कलर। थर्ड लुक के लिए फ्रेंड्स, मैंने लॉन्ग श्रग के साथ इसे पेयर किया है। अनारकली कुर्तीज़ को लॉन्ग श्रग्स के साथ अगर आप पेयर करते हैं तो एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्टाइलिश सा लुक बनता है। इस पूरे लुक को मैंने पुट टुगेदर दिखाने के लिए मैंने मल्टी कलर का क्लच लिया है इस तरह से, और पंप्स पहने हैं ताकि एथनिक के साथ साथ मॉडर्न लुक भी आए, और उसके साथ मैंने सिल्वर इयररिंग्स के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है। सिल्वर इयररिंग्स में भी मेरे रेड कलर के पॉलकीज़ हैं, कुछ डिज़ाइन है रेड कलर की वजह से ये पूरा लुक कोऑर्डिनेशन लग वाला लग रहा है, और जैसे रेड कलर के मेरा श्रग है वैसे ही रेड कलर की मैंने लिपस्टिक कैरी की है। इस तरह के लुक आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका नारकली बहुत हैवी है तो उस पर एक श्रग डाल लीजिए और आप कैजुअल कहीं भी कहीं जा सकते हैं, और इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप ओवर ड्रेस्ड हैं, बिल्कुल बैलेंस कर देता है ये लुक को। नेक्स्ट लुक मैंने फ्रेंड्स एक स्टॉल के साथ कंप्लीट किया है। एक मैंने मल्टी कलर का स्टॉल लिया है। ये स्टॉल आराम से मिल जाते हैं आपकी लोकल मार्केट में, मैंने भी लोकल मार्केट से लिया था जस्ट फॉर 50 रुपीज़। मैंने स्टॉल को अपनी पोनी के साथ टाई अप कर लिया है, और साथ में मैंने गले में एक मैचिंग
पेस्टल शेड्स का ब्यूटीफुल सा नेकलेस पहना है जो मैंने बहुत टाइम पहले क्लब फैक्ट्री से ख़रीदा था, बट इस कुर्ती के साथ वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इस कुर्ती के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही पेस्टल शेड्स हैं इसमें और बहुत स्टाइलिश लग रहा है। मैं चाहती थी कि पूरा जो अटेंशन है वो मेरे नेकलेस पे रहे, इसलिए मैंने कानों को ब्लैंक छोड़ दिया है। जुत्ती इसके साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है, पेस्टल शेड की जुत्ती है जो कि परफेक्टली जा रही है मेरे नेकलेस और स्टॉल के ग्रीन कलर के साथ। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने फिर पेस्टल कलर्स का सहारा लिया है, क्योंकि पेस्टल कलर्स गर्मियों में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत सूदिंग होते हैं समर्स में। तो इस तरह के आप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी पिंक चिकनकारी कुर्ती को पेस्टल ब्लू कलर के शेड के दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है। नेट का दुपट्टा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ही क्लासी लग रहा है ये पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन। मैचिंग मैंने इयररिंग्स पहने हैं ब्लू कलर की, जिसमें पोलकीज हैं, पर्ल्स हैं और साथ में एक रिंग पहनी है जिसमें ब्लू कलर का नग है। तो इस तरह से मैंने पूरा लुक कंप्लीट किया है जो कि बहुत ही स्टाइलिश, समरी और बहुत ही ज़्यादा पुट टुगेदर लग रहा है, क्योंकि सभी पेस्टल शेड के मैंने एक्सेसरीज भी पेस्टल शेड की ही ली है। तो पूरा लुक एकदम पुट टुगेदर और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं और खूबसूरत लग सकते हैं। कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करने से हमें डरना नहीं चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट करने से इस तरह के खूबसूरत लुक्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट लुक मैंने ज्वेलरी जंकीज़ के लिए बनाया है, जिनको सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और अगर चिकनकारी कुर्ती हो किसी भी कलर में हो और सिल्वर ज्वेलरी ना पहनी जाए उसके साथ, तो कुछ अधूरापन सा रहता है। तो यही मैंने अधूरापन पूरा करने के लिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को पिंक में रखा है। कुर्ती पिंक है, साथ में मैंने अपने पंप्स को भी पिंक रखा है और सिल्वर ज्वेलरी ऐड की है। खूब सारी सिल्वर ज्वेलरी है, ये ओवरसाइज रिंग, ये घुंघरू वाला ब्रेसलेट, ये देखिए कितनी खूबसूरत है लग रहे हैं इस कुर्ती के साथ। ये केज वाला झुमका और घुंघरू वाला चोकर, पूरी की पूरी एकदम एथनिक वाइब आ रही है इस पूरे लुक में, पूरी ज्वेलरी स्ट्रक्चर में। तो इस टाइप से आप बहुत आराम से अपनी कुर्तीज़ को सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर कीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, चिकनकारी कुर्ती के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई भी डे टाइम मेहंदी फंक्शन है या हल्दी फंक्शन है या फिर वैसे ही लेडीज संगीत है उसमें आप पहनना चाहते हैं कुछ चिकनकारी वर्क कुर्ते, तो इस टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्ल और कुंदन का चोकर पहना है और मैचिंग मांग टीका लगाया है। तो मांग टीके के बाद मैंने कुछ भी इयररिंग्स वगैरह नहीं पहने हैं, क्योंकि फिर वो ओवर द बोर्ड हो जाता। यहाँ पर मैंने ये दो चीज़ के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस टाइप से आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, शादी या पार्टी का, जिसमें आप ब्यूटीफुल भी के साथ साथ कंफर्टेबली आप कैरी कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी और कपड़ों को। ज़रूरत है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूरा लुक कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुस्कान का तो कोई भी तोड़ नहीं होता। So friends, that's all for the today's video. Hope you like it. If you like, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel. See you soon. Bye-bye.